हे, दिस इज़ कोमल। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का मेरा वीडियो बहुत एस्थेटिक होने वाला है, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत अमेजिंग DIY आइडिया, जिसमें मैं रिक्रिएट करूँगी अपनी खुद की एक रैंडम थिंग को। आज की वीडियो में जो रिक्रिएट करने वाली हूँ वो है मेरा खुद का ओल्ड फ़ोन कवर। हमारा ओल्ड फ़ोन कवर गंदा हो जाता है, या फिर हम जब उसे बोर हो जाते हैं तो हम उसे उठा के रख देते हैं, मोस्टली फेंक देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अब हम इसे बोर हो गए हैं तो इसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट आप उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और वो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आज मैं अपना पुराना फ़ोन कवर को रिक्रिएट करूँगी, क्योंकि मैं भी उसे बोर हो गई हूँ। पुराने फ़ोन कवर को फिर से यूज़ कर सकते हैं, वो भी अकॉर्डिंग योर चॉइस। यस, आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वीडियो उसी से रिलेटेड होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड तो आज आपके लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं रिक्रिएट करूँगी रैंडम थिंग्स को, रैंडम चीज़ों को, यूज़लेस चीज़ों को। मैं उनको रिक्रिएट करूँगी, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करूँगी, और आपके साथ शेयर करूँगी अमेजिंग DIY आइडियाज एंड जेन्युइन एक्सपीरियंसेस। आप अपने खुद के घर पर अपने यूज़लेस चीज़ों पर ट्राई कर सकते हो यार। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। नो फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ़ोन कवर, और ये थोड़ा कर्व शेप में भी है। तो जो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वो इस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो वो तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस पर एक जैसो का कोट कर रही हूँ, तो मेरा टेबल कवर ख़राब ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक को यूज़ कर लूँगी, और अब आराम से मैं अपने फ़ोन कवर को कलर कर सकती हूँ। सो आज के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी अमेजिंग आइडियाज। सो लेट मी शो यू, फर्स्ट वन इज दिस। सो ये फ्रंट पेज हैं पेपर पैक्स के, जो हम यूज़ करते हैं स्क्रैप बुकिंग के लिए। तो ये लिटिल बर्ड्स के पेपर पैक्स हैं, मीन्स इस्टी बिस्टी स्टोर से मैंने परचेज़ किया था। उनके पास के बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं, अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है। और ये बहुत टाइनी और क्यूट से थॉट्स इसमें लिखे हुए हैं, और ये बहुत एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। तो जब मैं अपने फ़ोन कवर को एक एस्थेटिक लुक देने वाली हूँ तो ये उसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये छोटे छोटे टैग्स को फाइन कट कर लूँगी। तो ये क्यूट टैग्स रेडी हैं। नेक्स्ट वन इज़ वॉशी टिप्स। एक्चुअली ये वॉशी टिप्स बहुत अमेजिंग हैं। सो इनमें से कुछ वॉशी टिप्स एस्थेटिक थीम पे हैं, जो बहुत क्यूट हैं, लाइक दिस। तो आज मैं इन वॉशी टेप्स से अपने फ़ोन कवर को एस्थेटिक लुक देने वाली हूँ। सो और ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। जब हमारा जैसो का कोट ड्राई हो जाएगा अच्छे से, तो हम इस पर कलर करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 कलर। सो 10 कलर बनाना बहुत इजी है, ये मैंने खुद बनाया है। ब्राउन कलर में हम लिटिल बिट ब्लैक कलर एंड वाइट कलर को ऐड करेंगे, तो हमारा 10 कलर बन जाएगा। तो इस कलर को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरी जो थीम है वो एस्थेटिक है, और मुझे अपने फ़ोन को पूरा एस्थेटिक लुक देना होगा, तो इसीलिए मैंने ये 10 कलर को यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये हमारा फ़ोन कवर रेडी है डेकोरेटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे डेकोरेटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो मेरा फ़ोन कवर मैं तो कस्टमाइज़ बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने पर्सनल फ़ोटो को ऐड करूँगी। साथ ही मैं लूँगी वॉशी टेप। ये वॉशी टेप बहुत क्यूट है, क्योंकि मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो इस वॉशी टेप को मैं फ़ोन कवर के साइड में स्टिक करूँगी। सो इस फ़ोन कवर का कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है मैंने, मैं डायरेक्टली करने वाली हूँ जो भी करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे अपने क्यूट से टैग्स को रख के डिज़ाइन कर रही हूँ कि मुझे कहाँ पे कौन सा टैग को रखना चाहिए, कौन सी वॉशी टेप को यूज़ करना है, तो मैं उसको एक बार डिज़ाइन कर रही हूँ। सो नए डिज़ाइन को अप्लाई करने के लिए मैंने इस वॉशी टेप को रिमूव किया, बट साथ ही मेरा पेंट भी रिमूव हो गया। तो अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं तो पहले अपने पेंट पे एक बार वार्निश का कोट जरूर कर लें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मूविंग ऑन द वीडियो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ वॉशी टेप जिस पे मैप का डिज़ाइन बना है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एस्थेटिक लुक दे रहा है। अनदर वॉशी टेप यूज़ कर रही हूँ जिस पे समथिंग करेंसी एंड टिकट बनी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगी।
साथ में मैं एक और टिकट उसमें से कट कर रही हूँ, उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लगाऊँ, तो मैं उसको यहीं पर स्टिक कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक चेक वॉशी टेप ले रही हूँ जिससे अपनी फ़ोटो को स्टिक करूँगी। एंड इसके बाद जो वॉशी टेप को मैंने रिमूव किया था अपने फ़ोन कवर से, उसे उसी जगह पे मैं फिर से स्टिक कर रही हूँ। पता नहीं जब मुझे इसको वहीं लगाना था तो मैंने इसको रिमूव किया ही क्यों। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोटो को पेस्ट करने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये मैं फटाफट से यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगी। एंड यहाँ पे मैं एक और वॉशी टेप का यूज़ कर रही हूँ जिसमें टिकट्स बनी हुई हैं। आई होप कि मुझे इसे यहाँ से रिमूव ना करना पड़े। एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ सम रोज़ पेटल्स जो प्रेस्ड हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं ड्राइड रोज़ पेटल्स, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी थोड़ा इसमें ऐड कर देती हूँ। एंड मेरे पास एक और फ्लावर है येलो कलर का। ये दोनों ही फ्लावर्स बहुत क्यूट हैं, तो डिसाइड करना मुश्किल है कि मैं किसे ऐड करूं। तो उससे पहले मैं अपने क्यूटेस्ट वॉशी टेप को ऐड कर रही हूं, इसको मैं बिल्कुल भी रिमूव नहीं करूंगी। एंड मुझे इस टिकट को यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये यहां पे ज़्यादा बेटर लग रही है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये एस्थेटिक्स टेप। एक्चुअली ये मैंने खुद प्रिंट किए थे, ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किए हैं, तो ये बहुत क्यूट लग रहे हैं तो इसलिए मैं इनको अच्छे से कट कर लूँगी और इसको कहीं ना कहीं फ़ोन केस में मैं ऐड कर लूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनको कट कर लिया है और देखते हैं इनका टाइम कब आता है तब मैं इनको यूज़ करूँगी। उससे पहले मैं और जो वॉशी टेप्स हैं मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट वन इज दिस, ये भी बहुत क्यूट है, तो सो इसको भी मैं फिर से रिमूव नहीं करूँगी एक बार स्टिक करने के बाद। तो ये यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। कैमरे का जो गैप है वो मैं अच्छे से कट कर लूँगी बाद में। तो ये जो टिकट्स को मैंने रिमूव किया था इसको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। साथ में मैं ले रही हूँ ये टैग्स जो मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इन लव वाला टेक्स्ट ले लूँगी और इसको फ़ोटो के अकॉर्डिंग कट करके फ़ोटो के पास स्टिक कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ एस्थेटिक क्लॉक जो मैंने खुद प्रिंट किया था, ये मैंने कहीं से परचेज नहीं किया है, तो इसको मैं टॉप पे अच्छे से स्टिक कर दूँगी। एंड जो मैंने पेपर पैक से टैग कट किए थे उनको स्टिक करने का टाइम आ गया है, तो सो फटाफट से मैं इन टैग्स को भी अपने फ़ोन कवर में ऐड कर रही हूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि अपने फ़ोन कवर में रोज़ पेटल्स या फ्लावर्स को रिप्लेस करके कुछ और यूज़ कर सकती हूँ क्या। तो मुझे आया एक आइडिया, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ हार्ट शेप का कुछ मिल जाए। तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिला ये बहुत क्यूट है, कंप्लीट एस्थेटिक है। सो इसे भी मैंने खुद प्रिंट किया था, तो इसको मैं फेविकोल की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसे वार्निश भी कर सकती थी पर फ़ोटोज़ और पेपर्स थे तो वार्निश करना मुझे ठीक नहीं लगा, तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ रेजिन। एंड मैंने ये इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो हमें मिलेगा न्यू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एपॉक्सी रेजिन जो 2:1 रेशियो में लिया जाता है, जिसमें आपको 2 कैप क्लियर एंड 1 कैप हार्डनर लेना होगा। इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना होगा, इतना मिक्स करना होगा इसके सारे बबल्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आफ्टर 10 मिनट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद में जब सारे बबल्स क्लियर हो गए हैं, उसके बाद मैं इसे अच्छे से अपने फ़ोन कवर के ऊपर पोर कर दूंगी। ये बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे कि ये फ़ोन कवर कैसा होगा और इसका रिज़ल्ट कैसा होगा।
उसके बाद मैं इसे आइसक्रीम स्टिक से अच्छे से इसको स्प्रेड कर दूंगी। इसके बाद मुझे इसको ड्राई होने के लिए रखना होगा 10 to 15 hours के लिए एक बंद रूम में। तो फाइनली हमारा फ़ोन कवर का जो रिबन कोट है वो ड्राई हो गया है और मैं इसे अच्छे से प्लास्टिक से रिमूव कर रही हूँ। वाओ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट इसके साथ ही मेरा एक लॉस भी हो गया है इसमें से, जिसमें मुझे फ़ोन कवर का एक कॉर्नर विद पेंट के साथ प्लास्टिक पे रिमूव हो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। इसके एजेस जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे रेजिन के, उसको मैं अच्छे से कैची से कट कर दूंगी और इसको अच्छे से शेप दे दूंगी। हमारा फ़ोन कवर रेडी है। वाओ, इट्स लुक सो एस्थेटिक यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैंने फ़ोन पे चढ़ा लिया है और अब मैं जल्दी से अपने फ़ोन कवर को चेंज नहीं करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिएगा। बाय बाय।